आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी, हर खबर देश हित में। किसान तू रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तहसील संघ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम 36 बिंदुओं का ज्ञापन ठीकरी तहसीलदार राजेश कोचले को सौंपा। भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष भगवान पटेल ने बताया कि प्रतिवर्ष सितंबर माह में किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन दिया जाता है। इस साल भी ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की किसानों की मांग पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसान सम्मिलित हुए। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष टिकरी, यहाँ आप ज्ञापन देने के लिए तहसील में आए हैं। भारतीय किसान संघ प्रतिवर्ष 17 सितंबर को तहसील वाइज ज्ञापन देता है किसानों की मांगों को लेकर, उसी को लेकर हम आज ज्ञापन देने आए। क्या क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं आप? मांगे तो हमारी बहुत सी है, लेकिन मेन मांगे हैं जो पिछले साल अतिवृष्टि हुई, 64% ठिकरी तहसील में हुई, 64 इंच, लेकिन कसरावत तहसील में कम हुई। उसके बावजूद भी कसरावत तहसील को मुआवजा मिला और हमको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ऐसा किन लोगों ने सर्वे किया जो हमारे साथ ऐसा हुआ? क्योंकि आपकी मांग है कि जो सर्वे किया गया है वो गलत है और जिनने सर्वे किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये मांग है हमारी। अपना रवैया नहीं कह सकते इसमें, अब मैं चूंकि अभी नया आया हूँ, उसमें जांच करेंगे, जो भी होगा इसमें जांच में जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे हम कलेक्टर साहब को आप लोगों की अवगत करें। वर्तमान स्थिति में सर, ठीकरी के अंदर बारिश हुई है और बारिश के साथ वायरस भी हुआ है, कपास की फसल और अन्य फसलें भी नष्ट हुई है, इनका सर्वे किया जाएगा और इनको मुआवजा दिया जाएगा या नहीं? इसमें जो भी है वायरस वाला जो चल रहा है मिर्च फसल में जो चल रहा है, इसमें हमने वरिष्ठ स्तर पर अवगत करा दिया है। हमारे यहाँ पटवारियों के माध्यम से हमने जो भी किसानों ने मिर्च की फसल कितना बोया है, कितने किसान हैं, इसका पूरा डाटा हमारे पास है और जरूरत पड़ने पर हम अवगत भी कराएं। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।